जौनपुर जिले के बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जौनपुर के नौपेड़वा बाजार में श्री यादवेश इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह शामिल हुए। धनंजय सिंह का स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के निधन के बाद सभी दलों के लोगों का सेफई पहुंचकर श्रद्धांजलि देना उनकी अपार लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी परंतु सौहार्द बना रहे, यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। धनंजय सिंह ने कहा कि नेता मुलायम सिंह यादव अगर एक जात को लेकर चले होते तो आज उनकी यह लोकप्रियता नहीं बनती। आपको बता दें कि वहीं धनंजय सिंह को लेकर अब कई तरह के चर्चाएं लगाए जा रहे हैं कि क्या धनंजय सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं। इन दिनों धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद धनंजय सिंह सैफई में भी पहुंचे थे और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात किया था। वहीं अब मुलायम सिंह यादव की जयंती पर धनंजय सिंह उनके कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने मुलायम सिंह की जमकर तारीफ की है, जिसको लेकर जौनपुर जिले की राजनीति में सियासी चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो गया है। चर्चा हो रही है कि क्या पूर्व सांसद धनंजय सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।